चले हो ना हर कौन जाता चलो हो। हेलो दोस्तों, देखिए ये हमारी पेंटिंग जो हम यहाँ के स्कूल की पेंटिंग की है किए हैं, ये हम और हमारी टीम, हमारे देव और दीपक की, हम दोनों की टीम जो है यहाँ काम की है पूरा। ये हमारी पानी के बचाव के लिए, वृक्ष के लिए और कन्या भ्रूण हत्या के लिए हमने ये सारा पेंटिंग किया है दोस्तों। और पूरे स्कूल को हमने एक साइड से पूरा मॉडल स्कूल जैसे सजाया है। और ये पेंटिंग है हमारी, देखें आप इसे दोस्तों, ये कोरोना के लिए भी बनाया हमने। और इधर इसके जस्ट बगल में बच्चों के लिए कम टू स्कूल ऐसा पेंटिंग किया है। ये जो दीवार है जो 10-12 फीट लंबी है, इसे हमने स्मार्ट स्कूल की तरह पूरे कार्टून से, तितलियों से, पक्षियों से इसे हमने सजाया है दोस्तों, देखें। और ये प्राइमरी स्कूल है, पहले हम लोगों ने मिडिल स्कूल में काम किया था, मिडिल स्कूल को देखने के बाद ये जो है इनको भी अच्छा लगा प्राइमरी स्कूल वालों को, तो इन्होंने भी हम लोगों से पेंटिंग करवाया और हम लोगों ने इसको पेंट किया। लोग सर को, टीचरों लोग को काफ़ी अच्छा लगा। और ये हैं हमारे साथी जो हम लोग के साथ काम किए हैं, ये हमारे जो सभी भाई लोग हैं, ये अपना छोटा पेंटर युवराज हैं, वो हमारे अनु भाई और हमारे ईश्वर भैया, काफ़ी सोच में डूबे हुए हैं, काफ़ी बहुत मेहनत किए हैं। ये हमारे ईश्वर भैया जो हैं, आपको बताया बहुत मेहनत किए हैं ये, और हमारे अनु भैया, हमारे युवराज भाई सब मिलके, इनका शादी आने वाला है, इनको बहुत बहुत बधाई हम लोगों की तरफ से, मेरे तरफ से भी बधाई हो, हमारे देव भैया की तरफ से भी बहुत बधाई। और ये दोस्तों अंदर भी हमने ये पेंटिंग की है, ये हमारी पृथ्वी को बचाव के लिए, बच्चों का पढ़ने लिखने के लिए सारी चीजें हम लोगों ने, और स्कूल की पूरी बाउंड्री को हमने अंदर से पूरा पेंट किया हुआ है दोस्तों। ये हमारी पेंटिंग है, तो हमारे इस वीडियो में बने रहे, देखें दोस्तों, हमने पूरी तरीके से सजाने को इसे अपनी कोशिश की है दोस्तों। ये हमारी प्राइमरी स्कूल की है और मिडिल स्कूल का भी आपको हमने बताया है। तो दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम दोनों को, खासकर हमें और देव भाई को सपोर्ट करें, बहुत बहुत सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। और ही ताई जी और वो इतना कतिला तू कावे है रे हां एक और बाहर निकल के तैयार।